वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले कुछ ऐसी जीनियस इन्वेंशंस, ऐसी इन्वेंशंस जो हमने कभी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होंगी, पर इसमें से चार पांच ना मैंने भी करी है। तूने इन्वेंशंस करी हैं? एनीवे गाइस, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन जीनियसेस को जिन्होंने इन्वेंशंस करी है। क्या पता थोड़ी बहुत हम भी कर ले हैं। चलो, ये कैसा डिवाइस है जिससे ब्रेड्स बन सकती हैं? ये तो तेरे को बहुत जरूरतमंद है। Exactly, आप लोग सब कंप्लेन करते रहते हो, नया हेयर स्टाइल ट्राई करो, नया हेयर स्टाइल ट्राई करो। अब मुझे समझ आ गया, मुझे आज तक इसकी जरूरत थी ताकि मेरे फटाफट ब्रेड्स बन जाओ, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। ये तो बहुत सही है यार, ये तो अपने आप में एक रोबोट है, पार्लर है ये। आविष्कार है, आविष्कार, कमाल। तू भी बना सकता है अद्भुत। और उसके बाद उसके ऊपर टिक टैक्स लगा रही है कितनी क्यूटली। और ये एक और मशीन है, इस मशीन से बालों को स्टेपल कर सकते हो, क्यूट क्यूट चीजों से। स्टेपल नहीं, वो एक्चुअल में वो पिंस लगा रही है। यार, दुनिया कहाँ पहुँच गई है यार? ये क्या है, डबल डेकर छाता? ओ भाई, अगर आपको अपने लव्ड वन से प्यार है और आप अपना अलग अलग छाता नहीं चाहते हो, एक ही छाता शेयर करना चाहते हो, ज्वाइन करके इतना बड़ा छाता बन जाएगा। वो बेचारी गिर गई देख के, कह रही है हाय काश मेरे पास भी ऐसा प्यार करने वाला पार्टनर होता जो एक ही छाते में मेरे सब गाने गाता। प्यार हुआ इकरार हुआ है। हम जब भी जा रहे होते हैं ना, बारिश हो रही होती है, ये अपने पास छाता रखती है, मैं भीगता हुआ जाता हूँ यार। मैं पूरे टाइम ना छाता लेके बॉडीगार्ड बनके इसके आगे पीछे घूमती हूँ। मुझे छाता चाहिए। ठीक है, मुझे भी चाहिए। ओ वाओ, अगर आप चाहते हो कि आपके घर गेस्ट आए और आपका घर गंदा ना हो, तो ये मशीन लगा लो, आप उनके जूते कवर हो जाएंगे और वो आपके घर में हमेशा यही रोती रहती है। सीरियसली, मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ यार, कोई आया है अब फिर से घर साफ करवाना पड़ेगा। मैडम, आप शूज उतार दो, ये कर दो, वो कर दो, अभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इसको आप इसमें पैर रखो, पैर रख दो, आपके जूते भी साफ रहेंगे, आपके पैर कवर हो जाएंगे। बढ़िया यार, क्या आविष्कार है भाई। फोन से प्रोजेक्टर बना सकते हो, अभी तक तो प्रोजेक्टर अलग से खरीदने पड़ते थे, इतने महंगे महंगे, सीधा फोन से प्रोजेक्शन कर दिया आपने कहीं भी। और ये कितना सही होगा ना, कभी ग्रुप में बैठे हो फ्रेंड्स के साथ और फोन में अगर प्रोजेक्टर है, सीधा सामने मारो, सब एक साथ एक ही चीज देखो, वरना लोग अपने अपने फोन में लगे होते हैं। ओ वाह, वो बंदी वो ब्रिक को ना सिर्फ ब्रिक समझ के बाहर फेंक रही थी, बाहर फेंक रही थी, लोगों पे मार रही थी, एकदम बावली है भाई। बट उसको आके उस बंदे ने बताया कि ये ब्रिक नहीं है, ये तो सॉयल है। एग्जैक्टली, इसके ऊपर आप पानी डालोगे तो ये प्लांट बन जाएगा। क्या बात है, ये टॉवल ड्राई करने का डिवाइस है, इसको इधर से डालो, उधर से सूख गया। क्या बात है, क्या इन्वेंशन है यार। इधर से आलू डालो, उधर से सोना वाली बात हो गई। तो इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इधर से आलू डालो, उधर से छील के मार आ जाए, इतना समझ आता है, सोना थोड़ी ना बन जाएगा आलू यार। यार मतलब बारिश का मौसम चल रहा है, कपड़े जितने भी गीले होंगे इधर से डालो, उधर से सूख के प्रेस होके बाहर। ऑर्डर कर आज के आज ही, मेरे को चाहिए ये। ओ भाई, ये सूटकेस है या फिर बाइक? यार उसने बेल्ट में से सूटकेस उठाया और उसको स्कूटर बना दिया। यार हम ऐसे ही मसे मसे इतने बैग उठा उठा के पागल हो जाते हैं। यार तू सोच, अगर तेरा टायर भी टूट जाए तो एटलीस्ट वो तेरी स्कूटी तो है। यार हमें ये चाहिए हर्ष, इसे ऑर्डर कर आ। ये तो पक्का चाहिए, तो मस्त है यार। भाई जिसने जीनियस इन्वेंशन करी ना, मेरी तरफ से हैट्स ऑफ एंड मैं कह रही हूं। थैंक यू गाइस। ओ भाई, प्रिंटर, इतना छोटा सा प्रिंटर। यार प्रिंटर वाली मशीन देख देख के रोना आता था, इतनी बड़ी बड़ी प्रिंटर मशीन रखो और फिर भी काम नहीं होती थी। यार आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे आप कमांड दो और आपका प्रिंट बाहर आ जाएगा। यार साइंस कहाँ पहुँच गई, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है यार। किस किस को ये सारी चीजों के बारे में पता है जरूर बताना। ऑल राइट, आज तक सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ देखी है, पर ये हाथ से चल रही है। अबे नहीं, इसके अंदर जेस्चर कंट्रोल उसने पहना हुआ अपने हाथ पे। हाँ, तो वो बैंड लगाया हुआ ना, पहले तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल होता था, अभी वो आपकी मूवमेंट के हिसाब से भी चलेगी। एग्जैक्टली, तो उसको अपने हाथ के साथ चला सकता है, क्या बात है। ओ भाई, स्लाइम के मल्टीपल यूज देख तू। ओ भाई, पूरी गाड़ी चमक जाएगी स्लाइम से। कीबोर्ड वीबोर्ड जो भी तुझे साफ करना है सब साफ करेगा स्लाइम। मुझे आज के आज स्लाइम अपनी गाड़ी साफ करने के लिए चाहिए। सब कुछ चाहिए यार, इन्वेंशन हमें चाहिए यार, बहुत जरूरतमंद है। भाई अगर आपको अपने घर के कॉर्नर्स को पेंट करना है ना, तो आपको ये टेप चाहिए। ओ, जैसे हम हमेशा ब्लू टेप लगाते हैं ना साइड्स पे, ताकि पेंट फैले ना साइडों पे, बस आपको ये लगाना है और उसके बाद आपका पेंट नहीं फैलेगा। घर पेंट करने के लिए आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है। तो अभी कह रही थी ना, पेंटर को बुलाओ। हाँ। ये डिवाइस मंगा लेते तो पेंट कर दियो खुद ही। मैं क्या क्या मंगाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा खर्चा बढ़ गया है वीडियो देख के। मल्टीपल हैंगर यूजर भाई। यार ये लोग ना क्या क्या निकालते हैं, मैं बता रही हूँ, क्या अमेजिंग चीजें यार। यार एक साथ कितनी टी शर्ट, कितनी ज्यादा जगह लेती है, और उसने नीचे 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 स्टैक कर दी सच में, और सारी दिख भी जाएंगी। और तू मुझे कह रहा था ना कि तेरे बड़े कपड़े अभी ऑर्डर कर, हम ऐसे ही टांगे मेरे कपड़े, खर्चा मैं कह रही हूँ बंद कर देते हैं इसको अभी, यहीं पे देखना मेरे से और बर्दाश्त नहीं होगा खर्चा। ओके, ये जैकेट है, इसमें आप बटन प्रेस करो और आप
गर्मी पैदा करती है ये जैकेट। हीटेड जैकेट है यार ये। वो बंदी इतनी मोटी जैकेट पहन के आई, कह रही है फायदा क्या हुआ तेरे को ये जैकेट पहनने का, तू ये लेके उसकी जैकेट लेके भाग गई, लेके भाग गई उसकी जैकेट, कह रही कि ये जैकेट बहुत फायदेमंद है, इसमें सिर्फ बटन दबाओ और ये गर्म कर देती है। वाह यार। जिन लोगों को बग्स बहुत प्यारे हैं, वो उन्हें मारना नहीं चाहते, वो उनको इस डिवाइस में कैच कर सकते हैं और फिर उसको फ्री कर सकते हैं। हर्ष, तू तो मच्छर देखते शुरू हो जाता मार देता है उसको। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ये बड़ा अजीब लगेगा यार। क्यों? इस डिवाइस के अंदर मच्छर कैद करके उसको बाहर हवा में छोड़ देंगे। तो बेचारे मच्छर की भी तो जिंदगी है ना हर्ष। ये बंदी की गाड़ी में बैठ गई है, आए हाय वो उसकी सॉक्स की वजह से वॉमिट कर रही है। यार वो बंदी कैसे बैठी है गाड़ी के अंदर बदबू वाले सॉक्स लेके, तुझे कैसे पता कि उसके सॉक्स में बदबू है? तभी तो उसको वॉमिट आ गई। हाँ ये बात भी सही है। तो बंदी ने क्या करा, पीछे नेट लगा दिया और उसके अंदर अपना सामान डाल दिया। शी सो स्मार्ट, आई थिंक शी इज वेरी स्मार्ट। अब उसकी फ्रेंड वहां पे पैर नहीं रख पाएगी। ये क्या निकला बेड के नीचे से? वाओ, एलईडी आप बेड के नीचे डाल सकते हो, बाहर निकला और आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एक बार होता है लेट के देख लो टीवी, फिर ऐसे ऊपर होना पड़ता है कि दिख नहीं रहा होता। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात स्पेस भी नहीं लेगा, बेड के नीचे चला जाएगा। ये सारी इन्वेंशन देख के मुझे वाओ कहने का मन कर रहा है। अम्ब्रेला के अंदर पानी भरा, ये आपको गर्मी से बचाएगा। अबे वो जो होते नहीं पानी निकलने वाले फुहारे, एग्जैक्टली इसमें से पानी निकलेगा, इस छाते के अंदर पानी भरो और ये स्प्रे करेगा। पर ये आपको पूरा गीला नहीं कर देगा? अबे नहीं, वो धीरे 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 स्प्रे होता है, गर्मी से बचाएगा। ओके, आपकी जो कैंपा बबली जो भी है उसको आप जितना पीना चाहते हो उतना पियो और उसके बस के ढक्कन लगा के बंद कर दो। आप पूरी तो पी नहीं पाते, उसके बाद उसकी फिज निकल जाती है। तभी के तभी बंद कर दो कि थोड़ी सी बच तो जाएगी। तो ये बेसिकली एक पिज्जा का मेन्यू है, उन्होंने ना हर पिज्जा के पेज पे सेम पिज्जा जैसा आएगा वैसा बना दिया, वैसा छाप दिए। ओह माय गॉड, मतलब जो पिज्जा उन्होंने बनाया उसकी फोटो ली और मेन्यू के अंदर लगा दी। एग्जैक्टली, तो तुझे पता होगा कि तेरा पिज्जा जब तेरे पास आएगा तो वो कैसा दिखेगा। अरे तो बहुत सही क्रिएटिविटी है, अदरवाइज हम पूछते रहते हैं भैया इसमें क्या डाला हुआ है क्या नहीं है। मैंने कैफे खोला ना, मैं भी ऐसे करने वाला हूँ। अच्छा यार, बेड को हटाना कितना औखा काम होता है। एक्चुअल में ये इन्वेंशन कितना आसान कर देगी यार। अबे बेड हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कुछ भी हो गया, चीजें हो गई, ये तो हाइड्रोलिक है, इससे गाड़ी उड़ जाएगी। हाँ यार, मुझे लग तो रहा है इतना तो भार उठा लेगी। एनीवे गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं ये इन्वेंशन देख के बहुत चौंक चुकी हूँ, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। और मेरे को थोड़ा ऐसा फील हो रहा है यार, कौन सी सदी में जी रहे हैं, इतना कुछ इन्वेंट हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी के साथ गाइस खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, इसको शौक से बाहर आने में टाइम लगेगा। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो को हम बनाए पार्ट 2, तो आपको सिर्फ कमेंट्स में बताना है, इस वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।